नमस्कार, मैं राजेंद्र सालोके, या हम रॉय लोपेज ओपनिंग के कुछ ट्रैप्स देख रहे हैं। रॉय लोपेज गेम जैसे के पहले बताया गया, E4 से स्टार्ट होता है, सफ़ेद खिलाड़ी अपना पॉन E4 पे लाके शुरू करता है, उसके बाद काला खिलाड़ी E5 खेलता है, फिर ये नाइट टू F3 खेलता है, फिर ये नाइट टू F6 खेलता है, फिर ये बिशप टू B5 खेलता है। यहाँ तक रॉय लोपेज की चाल ख़त्म हो जाती है। इसके आगे अपना अपना खेल खिलाड़ी खेलते हैं। तो इसने क्या खेला कि ये नाइट टू F6 खेला। तो जैसे नाइट टू F6, इसको रॉय लोपेज का बर्लिन डिफेंस बोलते हैं, बर्लिन वेरिएशन बोलते हैं। तो इसने ये पॉन ऊपर लिया, D4 पर लिया। एक्चुअली ये पॉन अभी अनप्रोटेक्टेड है और घोड़ा इसको मार सकता है, और घोड़े ने इसको मार दिया, इस पॉन को। इस पॉन को बहुत बार सफ़ेद खिलाड़ी इसको अनप्रोटेक्टेड रख देता है और मारने भी देता है। तो इसने क्या किया, वाइट ने कैसल किया। कैसल करने के बाद इसने ये भी पॉन मार दिया, यहाँ पे ये पॉन मार दिया। अब ये पॉन मारने के बाद इसने हाथी E1 के ऊपर लाया। अभी क्या हो गया कि ये घोड़ा पिन हो गया, और ये एब्सोल्यूट पिन, परिपूर्ण पिन इसको बोलते हैं, कि राजा के साथ पिन है तो घोड़ा हिल ही नहीं सकता है। तो इसने घोड़े के सपोर्ट के लिए यहाँ पे D5 के ऊपर पॉन लेके आए। तो अभी ये वजीर ने ये D4 के ऊपर का पॉन मार दिया। इसने अभी काले खिलाड़ी ने A6 के ऊपर पॉन लाके बिशप को थ्रेट दिया, बिशप ने घोड़े को मार दिया। फिर काले खिलाड़ी ने पॉन से बिशप को मार दिया, पॉन से बिशप को मार दिया। फिर इसने क्या किया कि घोड़ा यहाँ पे लिया, G5 के ऊपर घोड़ा लिया। अभी घोड़े को इसका बिशप का सपोर्ट है, तो क्वीन इसको मार नहीं सकती, और ये इसको थ्रेट देता है। एक्चुअली अभी कुछ ज़्यादा थ्रेट नहीं है। तो इसने क्या किया, क्वीन यहाँ पे लेके आए F6 के ऊपर। अभी क्यों ले आया, क्योंकि ये सफ़ेद क्वीन जो है अनसपोर्टेड है एक, और ये अगर सफ़ेद क्वीन यहाँ से कहाँ भी इसने हटाया तो F2 के ऊपर ये दोनों का अटैक हो रहा है, क्वीन का और ये घोड़े का। तो मतलब क्वीन से वो F2 के लेके राजा को चेक दे सकता है, और आगे मेट भी हो सकता है। लेकिन इसने क्या सोचा, इसने ज़बरदस्त मूव सोची कि इसने एक घोड़ा मार दिया, सफ़ेद खिलाड़ी ने काला घोड़ा मार दिया, यहाँ पे घोड़ा मार दिया। अभी ये क्वीन जैसे कि अनसपोर्टेड है, और काले खिलाड़ी को लगता है कि शायद इसकी गलती हो गई कि अनसपोर्टेड है तो ये क्वीन मर सकती है। तो इसने चांस लिया कि क्वीन को मार दिया। क्वीन के मार देने पर इसने क्या किया कि ये घोड़ा इधर ले आया F6 के ऊपर। घोड़ा F6 पे लाने से क्या हुआ है, राजा को डबल चेक हो गए कि हाथी का चेक है और एक घोड़े का चेक है। तो मतलब बीच में भी कुछ डाल नहीं सकता है, जैसे बिशप समझो हाथी का होता तो ये आ सकता था, ये बिशप आ सकता था, तो वो भी नहीं आ सकता है। तो इसके लिए सिर्फ ये सॉल्यूशन है कि ये D8 पे किंग को लेके आए, तो D8 पे उसको लेके आया। D8 पे आने के बाद ये हाथी ने सीधा ये E8 पे आके चेक मेट हो गया। ये मतलब एक वन ऑफ द कॉमन पैटर्न्स है कि हाथी और घोड़े से मेट करने का एक कॉमन पैटर्न है, उसके अंदर इसने बैठा है। लेकिन सफ़ेद का कॉन्फिडेंस इतना देखो कि उसने क्वीन को यहाँ पे सैक्रिफाइस किया था। धन्यवाद।